टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा 3 दिवसीय विशेष एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का आयोजन का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि नियमित अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। एडवांस ट्रेनिंग शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि कोच द्वारा बताए गए एडवांस टेक्निक को ध्यान पूर्वक देखें और नियमित अभ्यास करके सफलता प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर प्राप्त होती है। उन्होंने बेटियों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि समाज में इन दिनों असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में बेटियों को आत्मरक्षा के गुण आने चाहिए। टाइगर मार्शल आर्ट संस्था जिले की बेटियों को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। विगत 20 वर्ष से माता प्रसाद शर्मा टाइगर बेटियों में आत्मनिर्भरता पैदा करने में एक महती भूमिका अदा कर रहे हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश मरैया ने शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले अतिथियों का स्वागत करते हुए टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोच माता प्रसाद शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय विशेष शिविर में कोलकाता से आए कोच विद्यार्थियों को विशेष एडवांस टेक्निक में दक्ष करने का कार्य कर रहे हैं। क्लब की ओर से सभी अतिथियों का माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। शिविर में सुदीप्तो दास और राजन प्यारा ने गोगाई कराटे 2 एसोसिएशन कोलकाता के प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्लब के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग ने कहा कि इस एडवांस ट्रेनिंग कैंप से बच्चों को नई टेक्निक सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे बेल्ट टेस्ट के दौरान उन्हें लाभ होगा। साथ ही आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी एडवांस टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने क्लब की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। शिविर में 8 दर्जन से अधिक विद्यार्थी भागीदारी निभा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रंजीत दिवाकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष देवी सिंह सेरा, मिर्जा विनीत शर्मा, मनोज सुधीर जैन, भावना कश्यप व दीपक शर्मा राष्ट्रीय खिलाड़ी उपस्थित रहे। इस 2-3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में जो भी नए रूल्स हैं कराटे से संबंधित, जो नए चेंज हुए हैं, काटा है, कुमिते है, बुनका है, सारे बड़ी गहनता से ट्रेनिंग दी जाएगी और जितना आप लोग सीख सकते हैं उतना सीखिए। एक बार नहीं आए, 2 बार पूछो, 2 बार नहीं आए, 4 बार पूछो, पूछ रहा जब तक पूछेगा नहीं आप कोई नहीं बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्ष कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आज धौलपुर जिले के गांधी पार्क में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला उत्थान और मोदी सरकार के भागीरथ प्रयास को लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री एवं सेवा सप्ताह के संयोजक सत्येंद्र पाराशर ने कहा, मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चला कर महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा है, गांव की महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाई है, इसी प्रकार पूरे देश भर के अंदर शौचालय निर्माण कराकर महिलाओं को इज्जत देने का काम सरकार ने किया है और विधवाओं के लिए पेंशन जैसी अनेकों योजना चलाकर महिलाओं को आगे लाने का और सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उमा सिंह ने कहा, पहले की सरकारों ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा और महिलाओं का जीवन स्तर बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को सम्मान से जीने का हक मिला है, चाहे वह किसी भी वर्ग की हो। मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को आसानी से हल करके महिलाओं को उनका स्वाभिमान वापस दिलाने का काम किया है। कार्यक्रम में जिला मंत्री श्रीमती दया दवे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश का मान और सम्मान विदेशों में भी बढ़ाया है, एक मजबूत नेता और निर्णय लेने की क्षमता लेने वाले नेता हैं। आईटी के संयोजक हरेंद्र राव ने कहा कि भारत देश ने मोदी के नेतृत्व में आईटी सेक्टर में चहुमुखी विकास किया है। उन्होंने देश को रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में विश्व के अंदर 3रे नंबर की ताकत बना दिया है, यह उनके करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है। सोशल मीडिया के जिला प्रभारी ऋतिक वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सभी वर्गों को समुचित ध्यान रखा है और जीवन को किस प्रकार सरल, सुविधाजनक और उच्च मापदंडों पर किस प्रकार किया जा सकता है, उस ओर उन्होंने भागीरथी प्रयास किया है। इस अवसर पर जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष उमा सिंह, भाजपा की जिला मंत्री दया दुबे, आईटी संयोजक हरेंद्र राव, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे।